जिस प्रकार से सरकार मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है कि इस बार यात्रा में आतंकवादी खलल डाल सकते हैं, हर साल इस सरकार यह यात्रा शुरू होने से एक डेढ़ महीने पहले इस प्रकार की जो है मीडिया में निकालना शुरू कर देती है। हम लगातार पहले ही प्रदर्शन करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार से नोटिफिकेशन ना निकाली जाए। सरकार का काम है यात्रा को सुरक्षा मुहैया कराना, और किस प्रकार से यात्रा को सुरक्षा मुहैया करानी है सरकार का विषय है, और व्यवस्था का विषय है वो श्राइन बोर्ड का है। लेकिन सरकार क्या है, इस प्रकार से नोटिफिकेशन निकाल कर यात्री को डराने की कोशिश करती है। और लगातार हम सरकार को बोलते हैं कि सरकार जो है इस प्रकार की गलतियां ना, सरकार अपनी नलायकी को छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन से 4 से 5 सैनिक हमारे कश्मीर में शहीद हो गए हैं, कुछ लोग भी उसमें मारे गए हैं, लेकिन क्या है कि यह नलायकी है सरकार की कि उनसे आतंकवादी जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी यात्रा को कभी भी बाधित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस यात्रा को हमने अपने खून से सींचा हुआ है। इस यात्रा को हमारे कार्यकर्ताओं ने खून से सींच के इसको यात्रा को बढ़ाया है। तो इस यात्रा को ख़त्म करने की जो साजिश है, इसकी संख्या को कम करने की साजिश जो सरकार करती है, ये हम सफल नहीं होने देंगे। हम सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने से हम पीछे नहीं रहेंगे। पूरे देश में यात्रा के ऊपर एक बड़ा यात्रा एक उनके लिए बड़े आस्था का विषय है। पूरे देश में यात्रा एक बड़े हर्षोल्लास के साथ पहुंचती है, विदेशों से लोग आते हैं, लेकिन इस प्रकार से यात्रा को बाधित करने की कोशिश, और जो आतंकवादी घेरे में आते हैं जब, तो सरकार ने जम्मू कश्मीर यूटी ने क्या किया हुआ है कि पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को एक निर्देश दिए हुए हैं कि उनको सरेंडर कराया जाए आतंकवादी। क्यों सरेंडर कराना है? जिस व्यक्ति ने देश के खिलाफ बंदूक उठाई है, जिन्होंने जिनके खिलाफ देशद्रोह है, जिन्होंने हमारे वीर सैनिकों को शहीद किया, जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा हुआ है, उनको सरेंडर करके उनको क्या करना है? सरेंडर के ऐसे लोगों को गोली मिलनी चाहिए, वो गोली के हकदार हैं, और गोली के अलावा उनके लिए कोई भी पॉलिसी हमारे देश में नहीं है। तो इसलिए इनको